तो विशेष नए साल की हैप्पी न्यू ईयर बोले या एवर हैप्पी न्यू ईयर बोले? एवर हैप्पी न्यू ईयर, सदा हर साल ही, हर साल नया हो ये फील करे, हर हर संकल्प। तो इसलिए जैसे अभी आप समझ रहे थे, तो 1 मिनट एकदम साइलेंस में जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, 7 दिन बीत गए नए साल के कहने के लिए। और इस 7 डेज में फिगर तो बहुत बड़ा चेंज हो गया, 3 to 4 आ गया, और हम कहते हैं बहुत चेंज आ गया, समय नजदीक आ रहा है। अपने आप में देखे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर तक कुछ कभी गुस्सा की आदत थी, किसी ने मुझे उस समय तक धोखा दिया था, वो माइंड में अभी तक है, चाहे बचपन में, चाहे बिजनेस में, चाहे रिश्तों में। 31 दिसंबर तक मन में था, कोई ऐसी बातें चल रही थी ऑफिस में, मैं ऑलवेज डिमोटिवेटर था, किसी का हेल्थ ठीक नहीं था घर में आसपास, मेरा मन भी खुश नहीं था। सेवन डेज फ्रॉम 31 दिसंबर, कुछ मेरा चेंज हुआ है? वो धोखा की बातें अब मेरे मन में है नहीं है, वो डिमोटिवेशन अभी है नहीं है, सारी बातें। ओम शांति। अच्छा जी, क्या एनालिसिस है? 31 दिसंबर तक की सारी बातें, 7 डेज फ्रॉम नाउ, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, सेम है? सेम है। हाँ, 7 डेज। अब वो 31 दिसंबर तक जो भी था, तो मतलब अब इस समय, इस न्यू ईयर में लगता है चेंज हो गया? हाँ, चेंज है, वंडरफुल, वन ऑफ देम चेंज है। 7 डेज में अब लगता है कि छोड़ दो, हाँ, वो बातें छोड़ दो, एक दो बातों में, सब में। एक है, चलो धोखे में मैं, लेकिन क्रोध में मेरा वैसा ही लेवल है। एक दो बातों में, जितने भी हम अपने अपने, सबके अपने अपने स्टेटस ऑफ माइंड है, लिस्ट है, उसमें एक दो में और सब में। एक दो में चेंज है, हाउ मेनी? खुद का एनालिसिस, एक दो में चेंज है और सब में चेंज है, सब में वाले, सब में। अच्छा, 1 2 3, और एक दो में चेंज है 3, और रेस्ट 7 डेज में कुछ भी चेंज नहीं, तो मतलब वही कैटेगरी हुई। तो जस्ट इमेजिन, ईयर चेंज हो गया, हाँ, लेकिन हमारा मेंटालिटी, तो हमारी फीलिंग्स सेम हो गई। तो ईयर में जब ईयर चेंज होता है, तो वी हैव सम ऑफ द अदर रिजोल्यूशंस, कुछ तो होता है ना। इस साल तो ना, जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स थे पिछले साल के, हम सोचते हैं कि इस साल तो एकदम ना वो प्रोजेक्ट आज इस बार कंप्लीट करेंगे, नहीं, लड़की की शादी नहीं हो रही है, या ये बिजनेस में ये बात है, या प्रॉपर्टी का ये इन्वेस्टमेंट है,
मेनी अदर हमारे माइलस्टोन्स हैं। सो वो तो मुझे हमने सोचा कि इस साल तो ये होना ही चाहिए, लेकिन तो डूइंग न्यू। लेकिन सभी ने जो एनालिसिस किया, हाउ मेनी ऑफ अस रियली फेल्ट कि बीइंग भी चेंज करना है, बीइंग न्यू, डूइंग न्यू, वी हैव बीइंग न्यू। अलग जो मैं पहले 31 दिसंबर तक सोच रही थी, अब 1 जनवरी से नो नथिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि 23 वापस कभी नहीं आएगा, एक बार भी कभी नहीं आएगा 23, जब तक ये संसार चलेगा, वापस 2023 नहीं आएगा। तो क्या 2024 में जो 23 तक की फीलिंग्स थी वापस आएगी? वापस आ सकती है, आती है, सेम फीलिंग्स है, सेम अभी भी वो गुस्सा है, अभी तक मैं वो बात को माफ नहीं कर पाती हूँ, सेम है मेरा। मुझे जो भी उसके लिए फील हो रहा था या जो मुझे हर्ट हुआ, वो आज भी वो हर्ट के कारण डिस्टेंसिंग है, तो फीलिंग सेम है। तो मतलब क्या चेंज हुआ? फिगर चेंज हुआ, मे भी कुछ डूइंग न्यू में भी थोड़ा हमने किया, वो तो सोचा है, अभी आगे देखेंगे डूइंग के कितने हम कर पाए, लेकिन बीइंग बीइंग नहीं चेंज हो रहा है, या थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो अगर वो बीइंग नहीं चेंज होता है, तो बीइंग बीइंग इज माय फीलिंग्स, बीइंग इज माय एटीट्यूड, इंटेंशंस, मेमोरीज, एक्सेट्रा, हैबिट्स, ट्रेट्स, टेंडेंसीज, दिस इज द बीइंग। वो नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मुझे 2023 और 2024? कोई डिफरेंस है? और कभी कभी ये बीइंग अगर नहीं चेंज होता है, मतलब मेरी फीलिंग्स पहले क्रोध की थी, तुमने मुझे बहुत ऐसा ऐसे बोलते हो या बोला था या तुमने ऐसे किया था, तो मैं वो मेरा क्रोध अभी तक है आपके प्रति, वो मेरा हर्ट अभी तक है आपके प्रति, तो इसका तो कुछ भी बात और भी आप मुझे बोलेंगे तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो हर्ट को मैं और ऐड करती हूँ, वो क्रोध को मैं और ऐड करती हूँ, क्योंकि जैसे ही और फर प्लस ये हो जाता है कि मुझे पता है कि आपका बहुत क्रोधी स्वभाव है और आप मुझे हमेशा एक्यूज करते हो, तो जैसे ही कुछ आप बात बोल रहे हो, पहले से ही मुझे पता है कि तुम लोग तुम ऐसे बोलते हो, तो मेरा क्रोध वैसे ही जग जाता है और फिर आप और ऐड करते हो, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो 2023 में कम क्रोध था, 2024 में हर्ट्स बढ़ गए, क्रोध बढ़ गया, तो मतलब बीइंग क्या हो गया? न्यू के बजाय ओल्ड हुआ या सो देयरफॉर फिगर हैज चेंज्ड। हम कहते दुनिया चेंज हो गई, लेकिन दुनिया भी किस तरह चेंज हुई? और ओल्ड हुई। सो देयरफॉर नाउ वी हैव टू एनालाइज कि मुझे हम हैप्पी न्यू ईयर विश करते, सैड न्यू ईयर विश किया किसी को? सैड न्यू ईयर पर हुआ क्या? हम सभी कह रहे सैड न्यू ईयर हुआ, और ये इंक्रीज हुआ, तो जब विश किया तो एक तो वो भी फलीभूत नहीं हुआ, मैंने जो दूसरे को विश किया, दूसरे ने मुझे विश किया, वो भी फलीभूत नहीं हुआ। एट मोर इम्पोर्टेंट, कभी कभी भी नेवर मीन ऑल्सो, बोलने के लिए बोलेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, वी नेवर मीन ऑल्सो कि यू शुड बी रियली हैप्पी, नेवर डू, मे बी वी जस्ट डोंट, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी एंड विशिंग यू, आई एम नॉट रियलाइज्ड कि इस बार मुझे वो क्रोध, अब चाहे वो कुछ भी बोल दे, कितना भी बोल दे, कैसे भी बोल दे, लेकिन इस बार मुझे एकदम 2024 में एकदम साइलेंस में
और एकदम पीसफुली, एकदम गुड विशेष से मुझे उससे डील करना है। तो ये वाली बीइंग हमने चेंज नहीं की, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए चेंज कहाँ चाहिए? बीइंग में और डूइंग में। तो अगर बीइंग में चेंज नहीं, वो डूइंग भी हमारा अनफिनिश प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2024 ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे पता था, मैंने सोचा तो बहुत था, लेकिन नहीं हुआ। तो समवेयर वी डोंट नो कि हमारी कंट्रीब्यूशन, हमारे थॉट्स की कंट्रीब्यूशन उसमें कितनी ज्यादा थी। सो टू चेंज दिस फीलिंग्स, टू चेंज ये अपनी पावर को रियलाइज हमें करना है कि कैसे मुझे ये चेंज लाना है। तो इस चेंज को लाने के लिए अब हम देखें अपने आप को, खुद को देखें कि अपने माइंड, सिचुएशंस, जो भी आउटसाइड, इनर वर्ल्ड एक है बीइंग, एक है आउटर वर्ल्ड डूइंग। तो इनर वर्ल्ड जो भी मैं फील कर रही हूँ, ऑल दिस थिंग्स, आउटर वर्ल्ड मतलब दो हाथ। अब इसमें ये कुछ ठीक नहीं है, इसमें चेंज हो रहा है, तो क्या इसका कनेक्शन इसके साथ है? ये बहुत क्रोधी है, इसने बहुत कुछ ऐसे कह दिया, इसने बहुत कुछ ऐसे कर्म रॉन्ग कर दिया। दिस इज द आउटर वर्ल्ड, ये मेरा इनर वर्ल्ड है। अब ये अगर, क्या मेरा इनर वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द आउटर वर्ल्ड? इज माई इनर वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन द आउटर वर्ल्ड? ये हाथ और ये हाथ, तो इज माई ये हाथ ठीक नहीं है, तो क्या ये कनेक्शन है कि ये भी ठीक नहीं होगा? एक ही शरीर है, तो क्या कनेक्शन है कि ये भी ठीक नहीं होगा? क्या ये इंडिपेंडेंट है? ये हाथ इंडिपेंडेंट है? तो एक ठीक नहीं है, दूसरा फिर भी ठीक हो सकता है। एक ही शरीर के दो भाग है, तो ठीक हो सकता है? तो दिस इज द इनर वर्ल्ड, दिस इज द आउटर वर्ल्ड। तो अगर ये ठीक नहीं है, तो क्या फिर ये भी ठीक रह सकता है? माई इनर वर्ल्ड ठीक रह सकता है? और जब मेरा इनर वर्ल्ड ठीक है, बल्कि अगर ये ठीक नहीं है, तो और ही ज्यादा इस हाथ को मुझे ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो मुझे और ही ज्यादा इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट इसको बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो यूजलेस हो जाएगा, फिर तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एक जन घर में नाराज है, डिप्रेस्ड है, नॉट वेरी मच इस तरह की इंसिडेंट हुई है, या वो करता है, तो व्हाट आई एक्चुअली शुड बी डूइंग इट, आई हैव टू ऑन द कॉन्ट्ररी बी वेरी पावरफुल। लेकिन हो क्या रहा है? क्योंकि हमने सोचा इनर वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड आउटर वर्ल्ड, तो अगर ये ऐसा है, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ हम दोनों हाथों से यूजलेस होते गए। एंड देयरफॉर कहते, लाइफ इज रियली अ ट्रॉमा, लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अ गेम। जब हम छोटे छोटे बच्चे अगर कह देते हैं स्ट्रेस बहुत है, तो उनका बचपना तो गया। अगर युवा कह रहा है हार्ट में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, ये हेल्थ इश्यूज है, तो युवा स्टेज भी तो गई। तो अब कौन सी सृष्टि में हम हैं? सो नाइदर यूथ रहे और ना वो बचपना रहा, बिकॉज एवरी टाइम द स्ट्रेस इज देयर। सो देयरफॉर न्यूनेस, एक्चुअली इफ यू रियली वॉन्ट न्यूनेस, तो वो न्यूनेस कहाँ आएगी? बिकॉज दिस
अगर ये इम्परफेक्ट है और ये परफेक्ट है, मतलब मेरा अगर इस पर डिपेंडेंट है, तो ये तो इम्परफेक्ट है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, एवरीथिंग दिस इज हियर, वी हैव कंप्लेन्स फॉर एवरीथिंग, यहां से निकलते ही एमसीडी ठीक नहीं है, इतना कचरा है, पड़ोसी ऐसे है, पार्किंग ठीक नहीं करते, सो आई हैव कंप्लेन्स फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ, तो ये तो इम्परफेक्ट है, और मेरा ये भी पूरा इस पर डिपेंडेंट है, तो एंड दिस पर इम्परफेक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीज, एवरी लिटिल थिंग ऑफ सेलिब्रेशन, जैसे कल ही हम न्यूज में सुन रहे थे, इधर बहुत अच्छा ठीक है, मंदिर बन रहा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बहुत फीलिंग्स अच्छी है और अच्छा कॉज है, लेकिन देर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर वेरी एनवियस अबाउट इट, राइट, एंड दे हैव देयर कॉम्पिटिशन, तो मतलब इतना अच्छा कॉज में भी देर कुड बी रीजन्स टू बी टू एनवी, टू बी जेलस, टू टेक रिवेंज, टू कम्पीट, तो दिस इज द आउटर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग माई ईयर इज डिपेंडेंट ऑन दिस, सो वॉट वुड बी माई स्टेट ऑफ माइंड एट द एंड ऑफ जस्ट इवन 15 days ऑफ द फर्स्ट ऑफ द न्यू ईयर, सो ठीक है ये हो रहा है, नाउ आई हैव टू बी समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना है, तो नया करने के लिए नया फीलिंग्स, इंटेंशंस, मेमोरीज और पर्सनालिटी, हैबिट्स, इसको नया करना है, तो अब नया क्या होगा, नाउ इन अ स्केल ऑफ 10, छोटा सा रिफ्लेक्शन करते हैं अभी, लो एनर्जी 10, हाई एनर्जी, तो मतलब लो एनर्जी ब्लैक, एक अपना आजू बाजू में एक ब्लैक सर्कल, और एक हाई एनर्जी लाइट, हम कहते हैं ना व्हाइट लाइट, दिस व्हाइट सर्कल, दो तीन सिचुएशंस देखते हैं और अब अपना एनालाइज करते हैं इन द स्केल ऑफ 1 to 10 इन द मेडिटेटिव स्टेज। चलो आपके पास, सबके पास पेपर दिया हुआ है, ठीक है, अगर पेन है तो बहुत अच्छा है, जस्ट रेट करना है उसको अपने सर्कल को, तो स्थिति और परिस्थिति, चलो स्टार्ट करें, स्थिति और परिस्थिति अपने आप में देखते हम, सुबह से लेकर पूरे दिन की स्थिति, जैसे जैसे किसी ने मुझे कुछ, मैंने कुछ काम कहा, उसने काम नहीं किया, उसने मुझे दिलासा दी करेंगे और इतने समय में करेंगे, और वो टाइम बीत गया, अभी तक काम नहीं हुआ, और आई नो द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, वो खाली टाइम बाय करता जा रहा है, एंड आई नो ऑल्सो वॉट इज द इंटेंशन, अब मुझे उसने काम नहीं भी किया, फर्स्ट थॉट, सेकेंड थॉट, थर्ड थॉट मेरी क्या होती है, इन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को रेट करें फॉर सिचुएशन। सेकेंड, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सिचुएशन, अब मैंने कुछ काम कहा नहीं किया, अब जैसे ही वो दिखते हैं
जैसे वो मेड है या कोई, द वर्ड्स वी अटर तुमको समझता नहीं, तुमको मैंने कितनी बार बोला, मुझे पता था तुम ऐसे ही करेंगे, क्या ये मेरे नॉर्मल वर्ड्स है, नाउ इन द वर्ड्स पार्ट, या आई जस्ट से कि ये काम किया नहीं है, कर लेना एंड फिनिश फुल स्टॉप। तो 3, 4, 5, 6 वर्ड्स हम अटर करते हैं, रैंक लो एनर्जी की हाई एनर्जी, लो एनर्जी सब एग्री करेंगे, हाई एनर्जी 1 वर्ड अटर करते हैं, ये काम है कर लेना। अगर मैंने इतना सा भी थॉट किया कि मुझे पता था तुम कभी नहीं करने वाले हो, तुम ऐसे हो, तुमको बोल बोल के मैं थक गई हूं, पता नहीं संसार में कभी कोई चेंज, तुम चेंज भी होंगे, 1, 2, 4 लो एनर्जी, 2, 3 रेटिंग दो, और हाई एनर्जी 2 वर्ड्स। इट सेकंड क्वेश्चन है, तो दिस द वर्ड्स आई अटर व्हेन द वर्क इज नॉट डन एज पर माय चॉइस, एज पर व्हाट आई एक्सपेक्टेड। थर्ड क्वेश्चन, फोन आया, आपने कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए फोन किया और उसको, उसने वो इम्पोर्टेंट वर्क बोला तो था, उसने जवाब दिया, उसके बाद फिर कोई पुरानी बात ऐसे वैसे, अब यू हैव नो टाइम, और वो इस तरह की बातें कर रहा है, माय फर्स्ट रिस्पॉन्स, तंग आ गई, तुम जबरदस्ती ऐसी बातें करते हो, तुमको समझ में नहीं आता कितना टाइम कम है, और क्या है, इट्स नॉट कि आई टेल, मे बी आई इवन हैव फीलिंग, तुम लोग को टाइम, तुम पता नहीं तुम लोग कहाँ के हो, कौन सी दुनिया के हो, क्या कुछ, मतलब मेनी सच फीलिंग्स, ये आता है, ओके, उसकी आदत है बोलने की, बोल दिया कुछ एक्स्ट्रा भी बोल दिया, कोई बात नहीं, ये सोल थोड़ी वीक है इसलिए ऐसे बोल रही है, मेरा टोन, मेरी फीलिंग्स, नॉट ए सिंगल थॉट, नॉट ए जनरलाइज थॉट। तो अब रेटिंग 2, 3 या नॉट ए सिंगल थॉट, 10 की रेटिंग, 9, 10। फोर्थ क्वेश्चन, अपने आप में हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये कंटेंट पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, बहुत कुछ ऐसे देख रहे हैं, और फिर बहुत ज्यादा अंदर मतलब अफसोस है, क्या है, क्या वर्ल्ड है, लोग देखो कैसे है, कोई पीस नहीं है, कुछ नहीं है, या इस कंट्रीब्यूशन, तो एक तो ये थॉट आया, और मतलब ठीक है, इट्स दिस इज व्हाट इज, दिस इज द रियलिटी, ये तो वर्ल्ड है, आई मीन दिस इज व्हाट वी हैव टू फेस, 1 ये आया, सेकंड थॉट कि अब ये है, ऐसा है, मुझे अपने आप को बहुत पीस क्रिएट करके मेरी वाइब्रेशन को मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ टू द वर्ल्ड, एक ये थॉट आया, और तीसरी कैटेगरी है कि इट हार्डली मैटर्स, है जो है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना है, थर्ड कैटेगरी। तो फाइव जो है वो है, मुझे क्या करना है, क्योंकि आई एम ऑल्सो इम्यून टू वॉट इज हैपनिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं कितना भी बोल दूँ ये तो वैसे ही करने वाले हैं, और मुझे भी कोई फीलिंग्स कुछ है नहीं, आई एम नथिंग टू डू, दुनिया ही ऐसी है, मुझे क्या करना है। एंड जो सेकेंड है उसमें रहम है, उसमें मुझे एकदम पावरफुल बनना है, मुझे एक एंजल बनना है, सो दैट आई कैन हेल्प दिस पर्सन, दिस पीपल टू चेंज, सो दिस इज, अब मुझे रेट करना है। तो 2, 3 या 5
या 10? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. व्हेन आई सी थिंग्स अराउंड मी एंड आई आई कुड सी कि थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम बैड टू वर्स, आई रीड द न्यूज पेपर, चीफ मिनिस्टर ऐसा करता है, नो देर आर मेनी अथॉरिटीज दे ऑल्सो डू लाइक दैट, ऑफिस में देख रही हूँ, दे भी लोग भी ऐसे है, पड़ोसी भी ऐसे, इतनी सी गाड़ी ऐसे पार्क करती, इतना गुस्सा करते हैं, नो. सो उसमें आई, वन इज आई ऑल्सो गेट डिप्रेस्ड, मुझे भी वो क्रोध आता है. टू थ्री नंबर, मुझे इम्यून है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और टेन टेन नंबर, मुझे और ही गुड विशेस है. आई फील आई हैव टू बी वेरी पीसफुल, लेट मी बिकम एन एंजल सो दैट आई कैन हेल्प दैट पर्सन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट. सो क्या रेटिंग है? फर्स्ट इन सब में हमारी मे बी रेटिंग डिफर करेगी, लेकिन अगर हम देखें अपने आप का लो एनर्जी और हाई एनर्जी, ब्लैक सर्कल या वाइट सर्कल, क्या लग रहा है? ब्लैक सर्कल वाइट सर्कल किसका ज्यादा है? 9 10 रैंकिंग, एक जन 9 और 10 की रैंकिंग मिली है. कितनों को मिली है 9 10 की रैंकिंग? एक दो तीन, ओके थ्री, फाइव तक की रैंकिंग एक, नहीं बस ठीक है ठीक है ठीक है, एक की रैंकिंग. अच्छा फाइव की और टू थ्री की रैंकिंग, अपनी रैंकिंग है. बैठो अभिषेक भी बैठो. टू थ्री की रैंकिंग है. अच्छा बाकियों की क्या है फिर? रैंक दिया नहीं दिया कि नहीं दिया? दिया तो टू थ्री में कितने जन है? एक ही जन है. अच्छा बहुत अच्छा सर्कल है हमारा तो. तो ये लो एनर्जी हमारी, हमें खुद को देखना है कि इस तरह की अगर लो एनर्जी कंटिन्यूड रही, इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न? रोज आ रहा है, हम अपने चेकिंग करते हैं, आजकल तो एवरी मिनट घड़ी में चेकिंग कर लेते हैं, बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, हार्ट बढ़ गया, हार्ट लो हो गया, टेस्टिंग करा लेते हैं फिर भी चलो नॉर्मल भी, और देख लेते हैं इवन लेमेन लैंग्वेज में कि हाँ ये नॉर्मल के रेंज में आ रहा है, फाइन, ये सब नॉर्मल के रेंज में आ रहा है, फाइन. लेकिन जहां कहीं रेड मार्क है, मैटर ऑफ कंसर्न. तो ये चेकिंग करा ली, ये एनालिसिस करा ली, अब ये एनालिसिस हम देख रहे हैं. और अगर ये एनालिसिस देख के भी हम अगर अपने आप को एक रेड अलर्ट नहीं फील करे तो क्या करना है? तो ये जो एनालिसिस है मतलब एक रेड अलर्ट कि दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स व्हाट आई एम क्रिएटिंग इज व्हाट इज द वर्ल्ड अराउंड मी. दुनिया जालिम या दुनिया ऐसी नहीं है, लेकिन मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरे वाइब्रेशन, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, टू द पीपल अराउंड मी, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन. तो इसलिए अब मुझे अगर ये चेंज करना है, ये तो ठीक है बिकॉज, लेकिन क्या मेरे हाथ में ये चीज है? क्या मेरी फीलिंग्स मेरे हाथ में है? मेरी फीलिंग्स मेरे हाथ में है कंप्लीटली? मेरी हैबिट्स मेरे हाथ में है? मेरे इंटेंशंस मेरे हाथ में है? तो इसका मतलब आई एम कंप्लीटली इन माई कंट्रोल. So therefore, I can create whatever thoughts I want, चाहे whatever परिस्थिति आती है बाहर से, और जितनी high difficult situation, difficult people, मतलब उतनी ज्यादा ये हाथ मेरा और powerful चाहिए, मेरी और powerful thoughts चाहिए.
दिस इज कॉल्ड डिवाइन एक्टिवेटिंग द डिविनिटी। तो वो बहुत इस तरह की परिस्थिति थी, किसी की कोई प्रॉब्लम थी, बहुत घर में भी प्रॉब्लम, बिजनेस में भी प्रॉब्लम, एकदम ऑल ऑफ अ सडन फिर हेल्थ के इश्यूज, खुद का भी हेल्थ के इश्यूज, सारे घर के फैमिली मेंबर्स में भी हेल्थ का इश्यूज, इतनी सारी परिस्थिति एक साथ आई। हमने कहा आप ट्राई करो, खाली आपको एक थॉट क्रिएट करना है, बिजनेस में एवरीथिंग इज नॉर्मल, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, परमात्मा मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका स्टाफ है, क्योंकि स्टाफ में भी इश्यूज थे, हेल्थ में भी इश्यूज थे, आप ये फील करो परमात्मा डॉक्टर है, वो उसको ठीक कर रहा है। घर में जो डोमेस्टिक इश्यूज थे, मतलब घर के भी जो कोई ये नहीं है, ये स्टाफ ठीक नहीं है, सिर्फ आप क्रिएट करो, आप कुछ भी नहीं करो, बाकी जो हम फिजिक आउटसाइड तो करेंगी, आप केवल थॉट्स क्रिएट करो, एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट। 1 वीक तक कंटिन्यूसली नॉट अ सिंगल थॉट आपको दूसरा क्रिएट करना है। एंड आउट ऑफ द 3 परिस्थिति, 2 2 वीक्स में रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी स्टाफ मिली, बहुत अच्छा डोमेस्टिक इश्यूज आया, एंड द हेल्थ के इश्यूज में रेटिंग, मतलब जो भी राइट डॉक्टर मिला, राइट समझ मिली, एंड मतलब एक होता है ना कि बीमारी है, डॉक्टर्स के भी पास जा रहे हैं, लेकिन वो राइट नहीं मिल रहा है जो एक्चुअल हिट करे उस प्रॉब्लम को, और राइट डॉक्टर भी मिला। सिर्फ 2 वीक्स, हाई एनर्जी फीलिंग्स, सो व्हाट आई हैव टू डू टू क्रिएट द न्यूनेस आउटसाइड, और अभी अभी का रिजल्ट है, उसने सोचा नहीं था। तो हमने उसने कहा कि जो वो स्टाफ आई, वो इतनी अच्छी स्टाफ आई, तो उसने उस स्टाफ ने कहा कि मेरा ना पिछले 1 वीक से वहां प्रॉब्लम चल रहा था जहां मैं करंट में रह रही थी, एंड दे डू वांटेड डिन वांट टू लीव मी, बट बिकॉज दिस समथिंग वाज रॉन्ग वाज क्रिएटेड, आई फेल्ट कि अब मुझे छोड़ना है, हालांकि देवर नन ऑफ देम वाज इन माय फेवर कि आई शुड, और मुझे 1 वीक से थॉट आ रहा है मुझे कुछ अच्छा ऐसा चाहिए, कोई ऐसा अच्छा माहौल चाहिए। तो क्या हुआ, जब हमारे थॉट्स वेरी पावरफुल रहे, तो जिसकी इस तरह की परिस्थिति थी, एंड दैट पर्सन वाज बेसिकली वेरी गुड, तो उन सोल्स को वो टचिंग, एंड उसको वो मेरी अच्छी फीलिंग्स कि मुझे बहुत अच्छा, परमात्मा का बिजनेस है, परमात्मा की ऑफिस है, एंड वो स्टाफ जो आएगी वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, तो वो अच्छी वाली स्टाफ को मेरी वो थॉट जाती है, और उसके वहां वो परिस्थिति क्रिएट हो ही रही थी, एंड उसको राइट पर्सन मिल गया, सो दिस पर्सन इज हैप्पी, द अदर पर्सन इज हैप्पी, तो बीइंग न्यू से डूइंग न्यू हुआ, डूइंग न्यू स्टाफ नहीं आती, मे बी उसको पता नहीं कितना और भी टाइम लगता, बट इफ आई वॉन्ट फास्ट रिजल्ट आई जस्ट हैव टू बी न्यू, आई जस्ट हैव टू बी पावरफुल। तो दिस इज द एनालिसिस, तो कितना फास्ट हम अपने थॉट्स को, कुछ भी बात हुई लेकिन मुझे एकदम प्योर पावरफुल एंड पॉजिटिव, केवल एक ही थॉट क्रिएट करना है, एंड व्हेन आई क्रिएट, इट्स लाइक बीमारी है, अभी हम 3 4 दिन 2 मंथ्स में इस तरह के बहुत क्रिटिकल केसेस हमारे स्टूडेंट्स जो बाबा के बच्चे हैं रेगुलर, उनमें तो हम गए और हमने कहा कि एक ही आप क्लियर करो, थॉट क्रिएट करो कि बाप परमात्मा ही मेरा डॉक्टर है, और वो ही मुझे राइट, वो ही मुझे ट्रीटमेंट दे रहा है। कभी कभी हम सोचते पता नहीं ये दे रहा है, ये ठीक है नहीं है, लेकिन आप केवल एक ही थॉट क्रिएट करो, रिजल्ट जो होनी है वो जो होनी है वो होनी है, लेकिन आपके थॉट्स क्या है कि नहीं परमात्मा मेरा डॉक्टर है, अच्छा अगर मुझे, मैंने सब कुछ छानबीन के ये डॉक्टर भी चूज किया, बट इट विल बी गॉड इज माय सुप्रीम डॉक्टर एंड ही विल बी
तो वो डॉक्टर के प्रति भी फेथ हो जाता है जो मुझे दे रहा है, एंड यस दैट्स एन ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। उन्होंने मुझे रिजल्ट बताया, मैंने कहा आप क्रिएट करके देखो, और वही वाइसा वर्सा हम डाउट कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैंसर है, ये है, ये बीमारी है, कैसे होगा, लेकिन ये बात। सो इफ आई वॉन्ट इवन द आउटसाइड न्यू, आउटसाइड पॉजिटिव, वॉट आई हैव टू बी इन साइड, उसके लिए भी मुझे इनसाइड न्यू करना पड़ता है। और इनसाइड न्यू मतलब कोई भी चीज न्यू मीन्स पाव अच्छी, न्यू कार मतलब अच्छी कार, एवरीथिंग परफेक्ट, तो आई हैव टू क्रिएट परफेक्ट फीलिंग्स फॉर अ परफेक्ट न्यू। सो कैन आई डू दिस? ऑपोजिट फीलिंग्स क्रिएट करनी है मुझे फॉर द आउटसाइड न्यू, दिस इज कॉल्ड न्यूनेस। पॉसिबल है? और लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और करना चाहिए, मस्ट मोस्ट नीडेड, एंड रियली मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो मिरेकल्स मेरे इसमें। एंड इट्स लाइक, तो हम लोग जब सोच रहे थे, वो जो सिचुएशन और भी थी, तो सोचा कि नहीं, परमात्मा वो डोमेस्टिक इश्यूज में भी है, वो देख रहा है, वो कर रहा है, सो वी आर नॉट इवन कॉलिंग फॉर दैट स्टाफ, वी आर जस्ट फीलिंग कि एक डिवाइन परमात्मा की रेस एंड दैट पर्सन इज देयर। तो दैट पर्सन आगे होके मुझे कॉल करता है कि मुझे आना है, एंड ही इज वेरी गुड, मतलब फीलिंग वाइज बहुत अच्छा स्वभाव का। तो वो आगे होके, मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं किसी से भी कांटेक्ट करके हमको कॉल किया कि आई वांट टू नो डू दैट डोमेस्टिक जो भी इश्यू था, आई वांट टू। एंड देन जब वो करता है तो लगता है वी वर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन। सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई क्रिएट द पावरफुल थॉट्स, तो जो भी पावरफुल पर्सनालिटीज है उस यूनिवर्स में, उसको वो थॉट्स रीच होती है, एंड देयरफॉर दैट सोल इज ड्रिवन टू कम टू मी। सो आई एम अट्रैक्टिंग द सिचुएशन एंड वाइस वर्सा। मैं कहूंगी क्या है, क्या जमाना है, मुझे तो कभी ऐसे कैसे पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अच्छे कहाँ मिलते हैं, हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, कैसे ढूंढे। सो मैं क्या कर रही हूँ, डाउटफुल थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, तो जो भी डाउटफुल वाले पर्सनैलिटीज है ना, वो अट्रैक्ट होंगे, तो मुझे मिलेगा भी कौन। फिर हम कहते हैं देखा, मुझे पता ही था कोई जमाना ठीक ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई ओन सिचुएशंस। सो दिस इज द न्यू न्यूनेस वी हैव टू डू। सो व्हाट डू वी फील, वी शुड टेक अ रिजोल्यूशन टुडे, इस नए साल में कुछ भी हो जाए, और जो होना है वैसे भी होना है, तो जो भी होना है होना है, आई विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट सिचुएशन, जो होगा होना है, बट जब मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी की भी ट्रीटमेंट करनी होती है ना, क्रिटिकल स्टेज है, हम सोचते हैं जो भी मैं बेस्ट कर सकती हूँ मैं करूंगी, बाकी भावी जो भी फॉर्च्यून है। तो फिर क्या होता है, चलो फॉर्च्यून जो भी है, हो सकता है वो नहीं भी व्यक्ति रहे, कुछ भी हो जाए, हम क्या सोचते, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, उससे बात व्यस्त हमने, तो हमको रिग्रेट नहीं होता है। तो इसलिए व्हेन वी बी द न्यू इन अस, विल नेवर हैव एनी रिग्रेट्स, मैंने तो बेस्ट सोचा, बाकी इट हैड टू हैपन, हो गया, बट उसमें भी मेरी पावर, क्योंकि इट हैड टू हैपन, तो मुझे तो अब जैसे कुछ ऐसी बात है, कोई लेट आ रहा है और अब कुछ भी तरह से कांटेक्ट नहीं है, नाउ आई एम गोइंग ऑन थिंकिंग, पता नहीं कहीं
कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं, और फाइनली हो सकता है रियली रिजल्ट रॉन्ग हो। क्या हो जाता है नॉर्मली, पहले से मैंने ऐसे क्रिएट किया, जैसे ही वो सामने आई कोलैप्स, यही हम फिल्मों में देखते हैं ना, एकदम हार्ट अटैक, जैसे ही देखा ऐसा। तो क्या हुआ था, पहले से लो एनर्जी था, तो रियलिटी जब सामने आई तो फिर तो वो कोलैप्स क्यों हुआ, क्योंकि वैसे ही इधर था तो नीचे हो गया, और अब नहीं मिल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, हाई एनर्जी क्रिएट करते हैं, जहां भी है जैसे भी है सुरक्षित है, परमात्मा उसके साथ है, बहुत हाई एनर्जी क्रिएट किया, 1 घंटा इनफैक्ट मेडिटेशन किया, 2 घंटा पता नहीं चला और ही मेडिटेशन किया, बहुत हाई एनर्जी क्रिएट किया, रियलिटी वही सेम आई, हाउ वुड आई रिस्पॉन्ड नाउ, आई विल बी एबल टू फेस इट, कि ऑलरेडी वैसी पावरफुल क्रिएट करती, दिस इज द पावर ऑफ द माइंड, होना तो वही था, लेकिन अभी पहले एक पेशेंट था, एक प्रॉब्लम थी, अब दूसरी तो प्रॉब्लम नहीं हुई, सो वी आर नॉट एडिंग टू द सिचुएशन, व्हेन वी क्रिएट न्यू वी कंट्रीब्यूट टू द पीस आउटसाइड एंड वी एक्चुअली आइदर चेंज इट और वी रिमेन अनचेंज्ड, दोनों चाहिए, दोनों में ही मेरी सक्सेस है, दिस इज द पावर ऑफ द माइंड, सो शुड वी एक्सप्लोर दिस पावर इन 2024, बिकॉज बहुत सारी परिस्थिति आ भी रही है जो हमने कभी नहीं सोचा था, वो 2023 में आई, हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसे हो सकता है, हम में से बहुत सारे इस फेज में गए भी होंगे, लेकिन अब हम इट मीन्स 2024 में भी बहुत सारी ऐसी आएंगी जो हमने कभी नहीं सोचा था, तो जो सोचा था उसके लिए भी मेरे पास शक्ति नहीं है, तो जो नहीं सोचा था उसके लिए तो मुझे बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, व्हाई नॉट स्टार्ट इट राइट फ्रॉम जस्ट नाउ, राइट फ्रॉम टुडे, सो दिस इज द पावर ऑफ द माइंड, जो वो हम एक्सप्लोर करते हैं, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, सो इनफैक्ट इट इज मोर नीडेड व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है और ज्यादा चाहिए, तो हम खुद देख रहे हैं कि 2023 की जो परिस्थिति थी वो 2022 से और ज्यादा थी, 2021 से भी ज्यादा थी, तो इसका मतलब 2024 ग्राफ क्या बता रहा है, ज्यादा होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वॉट एवर, आई हैव टू जस्ट बी पॉजिटिव, दिस इज मेडिटेशन, इसलिए कितना डिले कर सकते हैं हम इसको, या कितना अर्जेंट है ये, इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट नेसेसरी, वन, इज इट इम्पोर्टेंट, थर्ड, इज इट अर्जेंट, कौन सी कैटेगरी में डाले इसको, अर्जेंट, हाउ डज इट मैटर, ये चीज तो जितनी फास्ट उतनी अच्छी है, सो देयरफॉर वी हैव टू एक्सप्लोर दिस पॉजिटिविटी एंड दिस इज स्पिरिचुअलिटी, इसको एक्सप्लोर करना, तो ये हम मेडिटेशन में हम करते हैं, तो इसलिए ये जो कोर्सेज है मेडिटेशन के जो कल से हम स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलरली बीइंग न्यू इन द 2024, दिस इज द 6 डेज कोर्स, तो जब हम वो करते हैं तब हमें पता चलता है व्हाट इज द मेथड, पता तो है, हाउ मेनी ऑफ अस डोंट नो दिस थिंग्स, सबको पता है, पर वो जब एक्चुअली पेपर आता है वहां कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं की थी, तो दिस 6 डेज हम पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते हमको पता भी नहीं चलता है कैसे हम वैसे बन जाते हैं, सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू, करेंगे, तो अब हम 1 मिनट साइलेंस, 2 मिनट साइलेंस करके वो शक्ति, एक करने की पावर लेते हैं, अपने आप को
सब बातों से एकदम फ्री करे। मैं प्योर एनर्जी इस शरीर में आई द सोल द पॉइंट ऑफ लाइट वेरी पावरफुल इस शरीर में स्थित हूँ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम पावरफुल, आई डोंट वॉन्ट बट आई एम। विद दिस रियलिटी I now take the energy from the Supreme परमात्मा से रिचार्ज करते हैं इसको। रिचार्ज स्टेशन पे जाते हैं ऊपर पीसफुल वर्ल्ड में। I also point of light, Paramatma bhi Jyotirbindu, wo bhi pure, peaceful, loveful, shanti ka sagar, prem ka sagar, aur main atma bindu, dono match ho rahe hain। उसकी पावर मेरे में ऑटोमेटिक जा रही है, जैसे बैटरी को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है। पावर एनर्जी सूर्य की किरणों की तरह मेरे में किरणें आ रही है, शांति की, प्रेम की, शक्ति की किरणें ऑटोमेटिक मेरे में आती जा रही है। मेरे में बढ़ती जा रही है। पीस की रेस, प्यार की रेस मैं फुल होती जा रही हूं। मुझे केवल एक से ही लेना है, प्यार, पीस, पावर, और वो परमात्मा से। उनसे लेकर जस्ट टू बी विद हिम फॉर सम टाइम, 2 मिनट केवल उनको देखते रहे, वो
भी ज्योतिर्बिंदु, वेरी पावरफुल, और मैं भी ज्योतिर्बिंदु। वेरी पावरफुल, अब मैं आत्मा परम धाम पीसफुल वर्ल्ड से अब नीचे आ रही हूं, चार्ज करके आकर वापस इस मस्तिष्क के बीच पॉइंट ऑफ लाइट में सोल विराजमान हो गई, फुल विद लव विद पीस। अब नाउ आई एम विजुअलाइजिंग माई सेल्फ with people around me, growth कर रहा है, मैं नहीं कहूंगी मुझे शांति से बात करो, मैं शांत हूं, वो मुझे साइडलाइन कर रहा है, remind myself मैश प्यार स्वरूप, मेरे में हेट्रेड नहीं है, अपने आप में ये रिजोल्यूशन हम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी एनर्जी को मैं इंक्रीज करूंगी, डिक्रीज नहीं। ओम शांति।